हेलो गाइस, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रजनी ओग्रो ऑफिशियल में। आज मैं बना रही बहुत ही टेस्टी लेडी फिंगर यानी कि भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी को मैंने इस तरीके से काट ली हूँ और बीच में चीरा लगाई हूँ। अब इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैं 2 से 3 चम्मच तेल डाल रही हूँ और भिंडी को थोड़ा सा नमक डालकर 2-3 मिनट के लिए पका रही हूँ। इस चम्मच को चलाते रहना है ताकि कढ़ाई में ना चिपके। हमारा लेडी फिंगर में कलर आ गया है, अब इसे निकाल लेंगे। भिंडी को निकालने के बाद प्याज को भी फ्राई करेंगे। उसके लिए मैं देती हूँ प्याज नहीं हुई, प्याज को बहुत ही बारीक काट के रखी हूँ और 2 प्याज को बड़ा बड़ा, तो बड़ा बड़ा प्याज को भी फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैं 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ और बड़ा कटा हुआ प्याज। प्याज को भी ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा हल्का पका लेना है। तो प्याज को डालकर भी लगातार चलाते रहना है और थोड़ा सा कलर आ जाए तो प्याज को निकाल लेंगे। हमारा प्याज हल्का कलर आ गया है, अब इसे निकाल कर बर्तन में रख लेंगे। अब बाकी मसालों को तलने के लिए मैं 2-3 चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल डालने के बाद मसाले में जो रहता है दालचीनी उसको डाल रही हूँ। सरसों, कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, 2-3 कटा हुआ हरा मिर्च और बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को डालकर अच्छे से चलाते रहना है ताकि हमारा प्याज आज ना जले और अच्छे से पक जाए। प्याज को ब्राउन कलर आते तक पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो प्याज को डालकर अच्छे से ब्राउन कलर होने तक पका लेंगे। जब हमारा प्याज अच्छे से पक जाए तो उसमें टमाटर पेस्ट डालेंगे। मैं यहाँ पर 2 से 3 टमाटर का पेस्ट तैयार करके रखी थी, उसे डाल देंगे और 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। जब हमारा टमाटर अच्छे से पक जाए तो उसमें डालेंगे हल्दी, अदरक लहसुन पेस्ट, लाल मिर्च, कलर मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, गरम मसाला और चाट मसाला। इन सभी को डालकर 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। मसाला पकने के बाद उसमें फ्राई किए हुए लेडी फिंगर और प्याज को डालेंगे। लेडी फिंगर और प्याज को डालकर अच्छे से चलाएंगे ताकि हमारा भिंडी जो है अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो जाए और पके भी। तो ढककर 2-3 मिनट के लिए भिंडी को पका लेंगे। इस तरीके की सब्ज़ी आपने शायद ही खाई होंगी। भिंडी की सब्ज़ी तो आपने बहुत बार खाए होंगे, पर इस तरीके से शायद ही। तो आप भिंडी को इस तरीके से बनाकर खाकर देखना, बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। तो मैं इसे कटोरी में सर्व कर रही हूँ। हमारा ये लेडी फिंगर की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और कमेंट पे ज़रूर बताना। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।